यो व्हाट्स अप गाइस, आई एम फ्रेंड जय दलौट जी। और आज की वीडियो के अंदर होने वाला है रैपिड रिव्यू सीरीज का पार्ट नंबर 1। वेल, अब ये रैपिड रिव्यू क्या है, अगर ये डाउट आपके मन में आया है तो मैं हूं ना बताने के लिए। भाई और बहनों देखो, हर महीने क्या होता है, बहुत बहुत सारी मूवीज आती हैं और फिर मेरी लग जाती है, मैं सबके रिव्यू नहीं कर पाता एक ही बार में। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मूवी आई और उसका रिव्यू करना रह जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि कोशिश तो हम पूरी रखेंगे कि जब कोई मूवी आए तो उसी टाइम पे उस मूवी का रिव्यू कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई मूवी मिस हो जाती है तो हम महीने के अंत में आके उन सभी मूवीज का एक कंबाइंड रिव्यू बना देंगे। वेल, अब आज के रैपिड रिव्यू के एपिसोड के अंदर हम 10 मूवीज का एक साथ रिव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। ओके, तो आज की पहली मूवी है शकुंतलम। शकुंतलम मूवी जो है उसके अंदर मध्य भूमि का प्ले करी है समंथा ने। वह इस मूवी की कहानी कुछ इस तरह की है कि शकुंतलम जो है उनको प्यार हो जाता है एक राजा से, पर उस प्यार के चलते वो एक साधु का अपमान कर देती है और साधु उन्हें श्राप देते हैं कि जिस प्यार के चलते तूने मेरे को अपमानित किया है वो प्यार तेरे को भूल जाएगा। और फिर क्या होता है, जब समंथा उन राजा के पास जाती है तो राजा बिल्कुल भूल चुके होते हैं समंथा को। समंथा निराश होके किसी कुटिया में जाके अपने आप को बसा लेती है, पर धीरे धीरे राजा को चीजें याद आ जाती है और राजा वापस समंथा के पास जाता है और रीयूनाइट हो जाते हैं। वेल, बिलीव मी, बस इतनी सी स्टोरी है और जितना मैंने सिंप्लीफाइड करके बताया चीजों को उतना ही सिंप्लीफाइड करके हमें मूवी में भी दिखाया गया है। देखो, अगर आप कुछ सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा देखने जा रहे हो, हैवी डायलॉग देखने जा रहे हो, तो सब कुछ इस मूवी से मिसिंग है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि पीरियड मूवी है तो शायद इसके अंदर ग्राफिक्स सीजीआई और आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सीजीआई का काम बहुत ज़्यादा लो है। पर अगर आप उन लोगों में से हो जिनको सिंप्लीफाइड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो इस मूवी की ब्यूटी है वो आप देख के एंजॉय कर सकते हो। वेल, आज की जो दूसरी मूवी है उसका नाम है चेंगीज। चेंगीज मूवी जो है वो पैन इंडिया लेवल पर बंगाली इंडस्ट्री की तरफ से करी गई एक कोशिश है और मैं कहूँगा कि एक अच्छी कोशिश है। अगर ऐसी कोशिश कामयाब रही तो शायद बंगाली इंडस्ट्री का भी उतना ही ज़्यादा नाम हो जाएगा जितना शायद बॉलीवुड का आजकल चल रहा है। ऑल दो बॉलीवुड का तो चल ही नहीं रहा है। खैर, मेन बात यह है कि चेंगीज मूवी की कहानी कुछ इस तरह की है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है चेंगीज, वो चलता तो अच्छे कदमों पे है लेकिन उसकी लाइफ में कुछ इस तरह के इंसिडेंट हो जाते जिसके बाद वो गैंगस्टर का रास्ता अपना लेता है। देखो, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो एक मूवी थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और एक मूवी थी मुंबई सेगा। दोनों में ही इसी टाइप की स्टोरी थी, पर एक थी मजेदार और एक थी बावासी। वेल, चेंगीज मूवी जो है वो मजेदार की तरफ थोड़ा ज्यादा झुक जाती है। तो अब इसके बाद आप देख लो कि अगर आपको एक गैंगस्टर वाली अच्छी मूवी देखनी है तो यस, यू कैन वॉच चेंगीज। वेल, उसके बाद एक मूवी रिलीज हुई थी पोनियन सिल्वन 2। वेल, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आपको पोनियन सिल्वन पार्ट 1 देखना पड़ेगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब ये वाली मूवी जो है ना वो सच में अच्छी तो है पर इसके अंदर कमियां हैं। कमियों में से सबसे पहली बात तो ये है कि यार, अगर आपने इस मूवी के अंदर पेशेंस और कंसंट्रेशन नहीं दिया तो ये मूवी आपको समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई कैरेक्टर्स कौन है, किसका क्या मोटिव है और कौन कब क्या कर बैठेगा। खैर, अगर आपने कंसंट्रेशन से देखा उसके बाद भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट आप हो ही सकते हो, और वो इसलिए क्योंकि देखो, ये एक मूवी है राजनीति के ऊपर, राजा महाराजा के टाइम पे जो राजनीति हुआ करती थी। तो यस, जो इसके अंदर पॉलिटिक्स खेला जाता है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि राजा महाराजा के टाइम पे वॉर भी होती है, बैटल्स भी होती है, उनके जब भी सीन आते हैं ना तो उसमें उतना मजा नहीं आता। यानी कि ये मूवी जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको बिल्ड करती रहेगी और फिर गर्म करके ठंडा ही छोड़ देगी। लेकिन एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जो बिल्डअप वाला मूवमेंट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़िया है और वो वर्थ इट है। वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे कप्तान अमरीकी भी आए थे पिछले महीने आना दे आम रस के साथ। वेल, उन दोनों की मूवी आई थी घोस्टेड, और घोस्टेड मूवी जो है वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं स्वीट टाइप की मूवी है। वेल, ये वाली मूवी की कहानी कुछ इस तरह की है कि एक दिन क्रिस इवांस को मिलती है एना और इन दोनों के बीच में हो जाता है प्यार,
पर अगले ही दिन क्रिस देखता है कि एना गायब है और घर वाले भी एडवाइस यही देते हैं कि अगर तेरा प्यार सच्चा है तो जा उसको दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ के निकाल के ला। और वो पहुंच जाता है लंदन। वेल, अब वो लंदन तो आ गया, पर लंदन आने के बाद उसे पता चलता है कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो और कोई नहीं बल्कि एक CBI एजेंट है। और उसके बाद जो इनका ट्विस्ट बैठता है वो देखने वाली बात होती है। मतलब ये लोग आपस में जब रोमांस करते हैं, जब लड़ाई करते हैं या जब कॉमेडी का सीन क्रिएट करते हैं तो वो देखते हुए बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर आप इन सीन के लिए इस पूरी मूवी को देखने को रेडी हो तो आपके लिए मूवी बढ़िया हो जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यार एंड में आपको कुछ पे ऑफ मिलेगा, कहानी आपको कुछ बढ़िया देखने को मिलेगी, तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। वहां पर ये मूवी थोड़ा सा लैग कर जाती है। लास्ट महीने में इतनी सारी हॉरर मूवीज देखने को मिल चुकी है ना कि आपको पता भी नहीं होगा। सबसे पहली हॉरर मूवी थी रेडफील्ड। वह रेडफील्ड के अंदर एक ड्रैकुला होता है और वो ड्रैकुला किसी बेरोजगार और लाचार आदमी को कहता है कि तू मेरा स्लेव बन जा, यानी कि तू आज से मेरा नौकर है और उसके बदले में तेरे को जो भी चीज़ चाहिए होगी मैं तेरे को वो दे दूंगा, साथ ही साथ मैं तेरे को अपनी थोड़ी पावर भी दे दूंगा। वो लालच में आके इस स्लेवरी को एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद हमारे मेन हीरो का काम होता है कि ड्रैक्यूला के लिए इनोसेंट और हैप्पी लोगों को ढूंढ के लेके आए और बलि चढ़ा दे। ऑनेस्टली मूवी बचकांड है। मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा बचकान एलिमेंट भी है। अगेन ये सोच लेना, अगर आपको खूनम खानी देखना पसंद नहीं है तो इस मूवी में आप बोर भी हो सकते हो। अगर आपको इस मैंने जितनी स्टोरी बताई उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ये मूवी देख सकते हो, वरना इस मूवी को स्किप कर दो। पहले इसके बाद आते हैं जल्दी से यू टर्न मूवी के ऊपर। यू टर्न मूवी एक रीमेक है साउथ की, लेकिन क्योंकि मेरे को इस मूवी की कहानी ऑलरेडी पता थी, मैंने साउथ की मूवी देखी हुई है, तो कहानी में तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो यस, मेरे लिए थ्रिल का मूवमेंट तो वहीं पे ख़त्म हो गया था और हॉरर का मूवमेंट अगर मैं बात करूँ तो मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं लगा। तो क्या ये मूवी खराब हो जाती है? वेल नहीं, मूवी खराब नहीं होती। एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, स्टोरी तो ऑब्वियसली अच्छी है ही क्योंकि उठाईगिरी की है। हॉरर की मैं गारंटी नहीं ले रहा, शायद आपको बिल्कुल भी डर ना लगे, लेकिन स्टोरी जिस तरह की है आपको स्टोरी देख के थ्रिल का मूवमेंट जरूर क्रिएट होगा और एंड में आप ये बोलोगे कि हाँ अच्छी मूवी थी। वेल एक और मूवी रिलीज हुई थी हॉन्टिंग करके। कहानी बहुत सिंपल सी है कि एक अपार्टमेंट के अंदर दो लड़कियां रहती है, दोनों दोस्त होती है आपस में, पर एक दिन एक लड़की का हो जाता है मर्डर और जो दूसरी लड़की है उसके ऊपर आ जाता है इल्जाम। अब इंटेरोगेशन रूम के अंदर बैठे हुए इंटेरोगेशन ऑफिसर पूछी जा रही है कि तुमने अपनी दोस्त का मर्डर क्यों किया, और वो बता रही है कि दोस्त का मर्डर मैंने नहीं किया, चुड़ैल ने किया है। बस क्या कुछ होता है यही हमें देखने को मिलेगा उस आधे घंटे में। सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है, साथ ही साथ डरावने सीन तो मेरे को लगे ही नहीं। लेकिन हॉरर जो है सब्जेक्टिव होता है, शायद आपको डरावने सीन लग सकते हैं लेकिन मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगे। तो मेरा तो यही होगा ओपिनियन कि इसको स्किप कर दो, लेकिन अगर आप फिर भी देखने की जिद कर रहे हो तो देख लो यार, आधे घंटा ही है, ज़्यादा जिंदगी में कुछ जाएगा नहीं। वेल नेक्स्ट मूवी है ईविल डेड राइजेस। अब देखो सबसे पहली बात तो ये कि ईविल डेड राइजेस को अगर आप देखना चाह रहे हो ना तो दिमाग से ये निकाल दो कि एक हॉरर मूवी है, दिमाग में ये डालो कि ये एक स्लैशर मूवी है। वेल इस मूवी के अंदर है आत्मा, है भूत आता है और भूत आके ही लोगों को मारता है, लेकिन भूत का जो डरावना वाला सीक्वेंस है ना उसमें कम कंसंट्रेट करके भूत जब मारने लगता है, जिस ब्रूटैलिटी की तरह मारता है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। वेल तो यस, मैं रिकमेंड तो करूंगा लेकिन बस तभी जब आप इस मूवी को देखने के लिए आपका माइंडसेट इस मूवी की तरह बनाओ। बेसिकली जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि हॉरर मूवी जो है वो आजकल यार क्या ही होती है। हॉरर मूवी के अंदर लोग सोचते हैं कि हमें डर लगेगा, लेकिन डर लगता ही नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ हो जाती है जो बचकांड होती है और हम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कॉमेडी जहाँ आ जाए वहाँ हॉरर कैसे ही आ सकता है। इस मूवी के साथ ऐसा बहुत बार नहीं होता, लेकिन अगर आपने इस मूवी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो फिर आप मजाक उड़ाते ही रह जाओगे, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। तो यस, पोप एक्सोरसिस्ट एक अच्छी मूवी तो है, लेकिन अच्छी मूवी जो है वो थोड़ा स्टोरी के लाइन में है, हॉरर के लाइन में नहीं है। तो डर आपको नहीं लगेगा लेकिन मूवी आपको पसंद आने के चांसेस जरूर हैं। इसके बाद एक आखिरी मूवी जो कि शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मूवी थी, इस मूवी का नाम है सीसू। मूवी की कहानी कुछ इस तरह की है कि वर्ल्ड वॉर टू का टाइम चल रहा है, नाजी हार चुके हैं और उनको ऑर्डर मिल चुका है कि वो वापस आ जाएं। ऐसे में उनसे भिड़ने आ जाता है सीसू। अब सीसू वर्सेस बचे हुए नाजीज, इनकी होने वाली है बैटल। और सच बताऊं तो जब आप ये मूवी स्टार्ट करोगे ना तो मूवी खत्म होने तक आपका एकदम एंगेजमेंट बना रहेगा इस मूवी के साथ, आप छोड़ के बीच में जाना नहीं चाहोगे। वेल तो जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप दिमाग लगाओगे
तो वहीं पे यहाँ पे काम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दिमाग नहीं लगाया, बस बैठ के एंजॉयमेंट के पर्पस से देखा, तो ये मूवी आपको एंगेज तो करेगी, साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा थ्रिल भी दिलाएगी। कमेंट करके ये भी बताना कि इन लिस्ट में से आपने कौन कौन सी मूवी देखी हुई है और सबसे ज्यादा बढ़िया आपको कौन सी लगी। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।